कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार। करीब एक महीना पहले उडुपी स्थित सरकारी कॉलेज में हिजाब पहने हुए 6 छात्राओं को कक्षा में जाने से रोका गया था। छात्राओं ने कॉलेज के बाहर ही इस फैसले का विरोध करना शुरू किया। इस विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट का भी रुख कर लिया। वहीं अन्य छात्राओं का दावा है कि कक्षा में हिजाब पहनने से रोकने के कारण उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हिजाब का मुद्दा अब पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी सिलसिले में आज भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू और महिला अध्यक्ष स्वाति कामले के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राष्ट्रवादी पार्टी के मुख्य कार्यालय पर जमा होकर कर्नाटक सरकार के विरुद्ध नारेबाजी और मुर्दाबाद का नारा लगाया। इन सभी महिलाओं ने राष्ट्रवादी पार्टी के मुख्य कार्यालय से प्रांत कार्यालय जाकर ज्ञापन भी सौंपा। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो देशाला संविधान दिलं त्या संविधानचा आधार पकडून आम्ही हिजाबच्या बदली जे जो मोर्चा काढला आम्ही निषेध करतो आणि प्रत्येक समाजाला प्रत्येक बांधवांना प्रत्येक जाती धर्माला आपला हक्क हा बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाच्या माध्यमातून दिला आहे याचा आम्ही निषेध करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। तो मैं क्या कहेंगे आज जिस तरह से कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर जो मामला गरमाया है तो उसके बाद में भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसको किस नज़रे से देख रही है और इसके ऊपर किस तरह से स्टैंड ले रही है? कर्नाटक सरकार ने जो जो हादसा हुआ है बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है जो उन बच्चियों के साथ वहाँ पर जो हिजाब को ना पहनने पर जो रोक लगाई की कोशिश की गई है उसका हम निषेध करते हैं और भिवंडी शहर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज पदाधिकारियों की तरफ से हम इसका निषेध किया है और आंदोलन किया है और कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी चाल है। 5 राज्यों में MLA का इलेक्शन होने वाला है जिसके अंदर ये कर्नाटक के अंदर ये हरकत करके ये लोग इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जनता होशियार हो चुकी है और भाजपा सरकार जो हमेशा देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम की है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस देश के अंदर हमारे देश के अंदर गंगा जमुना की तहजीब सिखाई जाती है और ईद और दिवाली मिलकर हम त्यौहार मनाते हैं हिंदू भाई और मुस्लिम भाई तो हम इसको कायम रखने के लिए हमेशा हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमेशा एकता की हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश रहेगी और ये जो भाजपा के नालायक लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं हमको बांटने की और जो हिजाब के ऊपर जो ये लोग ने जो हरकतें की हैं उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 14 और 25 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स है हमें औरतों को नकाब पहनने का वो कोई राइट्स रोक नहीं सकता और आज इस देश में संविधान खतरे में है कहीं ना कहीं और संविधान बचाने का हमारा फ़र्ज़ है। मैं सबसे अपील करूंगा कि जिस तरीके से भाजपा संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है हमको कहीं ना कहीं संविधान बचाना है और मैं उस बच्ची का कर्नाटक में मुस्कान खान का और जो बच्चियां जो वहां लड़ रही हैं उनको मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। वो कहीं ना कहीं शेर की लड़कियाँ हैं जो अपने जो संविधान की लड़ाई लड़ रही हैं और फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई लड़ रही हैं उनका हर जगह मैं पूरे देश की तरफ से आज उस बच्चियों को सपोर्ट है और ऐसे नहीं कि हर समाज में अच्छे बुरे सब रहते हैं लेकिन आज इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाई भी का भी कहना यही है कि जो बुर्का लगाती हैं औरतें उनको कहीं ना कहीं ठोस पहुँचाने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। उनका हक है और उनका हक उनको दिया जाएगा। बहुत बहुत मुझे लगा वो यहाँ की आई है। मैडम क्या कहेंगे जिस तरह से हिजाब को लेकर देश में मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है आज महिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो निवेदन दिया गया है क्या कहना चाहेंगे आपकी क्या मांग है?
मेरा पहला कहना है कि ये जो दिल्ली की सरकार है ये पूरी तरह से संविधान के अगेंस्ट काम कर रही है। हमारे को संवैधानिक अधिकार दिया है, हर नागरिक को, भारतीय हर नागरिक को अधिकार दिया है कि वो अपने धर्म का पालन करे। धर्म के हिसाब से अगर हम लोग हिजाब पहनाते हैं तो उसको उन्होंने रोकना नहीं चाहिए। पर कर्नाटक में जो उडुपी ज़िले में जो काम हुआ है कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया है उसका तो हम लोग तहे दिल से और सब तरह से उसका हम लोग निषेध करते। बहुत गलत काम किया है और उसका ही रिपीटेशंस महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये निवेदन आज यहाँ पे दिया है। दूसरी बात ऐसी है कि इसके ऊपर उनके जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर एक्चुअल में सेंट्रल के गवर्नमेंट की तरफ से उनको कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, मगर उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हमको मालूम है कि हर जगह पर संविधान के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यह संवैधानिक है, हर आदमी को अपना धर्म का पालन करना चाहिए, अपने धर्म के हिसाब से रहने के लिए उसको पूरी तरह से सुविधा है। कल को कोई महाराष्ट्र लड़की औरत को बोलेंगे कि आप बिंदी मत लगाओ तो ये नहीं चलेगा। तो उसी तरह से किसी को मुझे साड़ी पहननी है, मुझे पहनने का, मुझे कपड़ा पहनने का, मुझे रहने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया है, तो इसका हम लोग पूरी तरह से निषेध करते हैं और इसका रिपीटेशन कहीं पे भी होना नहीं चाहिए। इसके लिए पूरे भारत भर में इसके अगेंस्ट हम लोग कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दे रहे हैं। ठीक है, ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। जब जीवन को खुलकर जीने का मौका हो तो छोटे से घर के छोटे से ख्वाब क्यों। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1BHK, 2BHK और 3BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ आज ही अपने परिवार के लिए आरामदेह, सुरक्षित, सुंदर एवं सुसज्जित घर बुक करें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।